Good morning, student of fourth class. In the previous class, question number up to 2A was completed, and I think it is also completed, which I give you as a homework. And then now we are going to discuss about the question number 2 of B. Match the following. Of the page number 93 of your workbook, jug and chapter 7, jug and mugs. Okay, students. So let's start the match the following. First, देखो 1, 2, 3, 4, 5 इधर है जो लीटर और मिलीलीटर की फॉर्म में है, और बी जो कॉलम है बी कॉलम में ओनली मिलीलीटर में फॉर्म किया हुआ है. तो कौन किसके साथ कौन सा मैच कर रहा है ये आपको फाइंड करना है, या आपको इधर से जैसे सिखाए ऐसे भी कर सकते हो, या फिर इधर आप मन में सोच ले सकते हो, क्योंकि इधर जो नंबर है बहुत ही इजी है. स्टूडेंट्स देखो 1 लीटर है और 250 मिलीलीटर. ओके, मतलब देखो इधर एक डिजिट और इधर 3 डिजिट है. सपोज इधर कोई भी डिजिट हो, इधर 3 डिजिट है, तो ये डिजिट पहले लिखना, इसके आगे 1 लिख देना, जितना भी डिजिट इधर रहेगा सब लिख देना इधर. तो देखो ये 1 लीटर 250 मिलीलीटर, तो किसके साथ मैच कर रहा है, 1 लीटर 250 मिलीलीटर बी के साथ मैच कर रहा है. तो मैच द फॉलोइंग विद बी ऑफ ए. ओके, ये हो गया मैच, समझ में आ गया ना. तो आप ऐसे भी कर सकते हो, टोटल लीटर और मिलीलीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के बाद में आप मैच कर सकते हो. देखो स्टूडेंट्स इधर 2 डिजिट है, तो आपको पता चला 2 डिजिट ये मिलीलीटर की घर में नहीं रह सकते हैं, 3 डिजिट होना चाहिए. तो 3 डिजिट बनाने के लिए इधर एक ज़ीरो समझो, इधर एक ज़ीरो है इसके आगे. तो देखो कौन सी 1025 इधर कौन सी नंबर है, 1025 ऐसे 1025 ये है. तो 2 ऑप्शन इज मैच्ड विद ऑप्शन ई, अंडरस्टैंड्स. और नेक्स्ट देखो इधर ओनली 1 डिजिट है, मतलब 1s की प्लेस में जो डिजिट है ये हो गया, 10s की प्लेस में एक डिजिट होना चाहिए और 100 की प्लेस में एक डिजिट होना चाहिए, टोटल 3 डिजिट इधर होना चाहिए. अगर लास्ट डिजिट दिया हुआ है तो आगे वाला डिजिट करने के लिए क्या करना चाहिए, 0 पुट करना चाहिए. तो टोटल क्या होता है 1 लीटर 5 मिलीलीटर. तो 1 लीटर तो टोटल मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1005, मतलब 1005. कौन सी ऑप्शन 1005, डी ऑप्शन इज, तो डी ऑप्शन इज राइट. ओके, मैच विद डी ऑफ 3, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. आफ्टर दैट 1 लीटर 750 मिलीलीटर, 1 लीटर 750 मिलीलीटर इसको आप कन्वर्ट करोगे तो 1750 मिलीलीटर हो जाएगा. 1750 यहाँ पर है, तो 4 इज मैच विद ऑप्शन ए और बी कॉलम, अंडरस्टैंड्स. एंड देन लास्ट वंस 1 लीटर 705 मिलीलीटर, तो 1705 का कौन सी ऑप्शन है, ये 1705 सी ऑप्शन इज राइट. सो मैच विद सी ऑफ 5, अंडरस्टैंड्स. तो ऐसे आपको मैच करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, और ऐसे समझ के आपको मैच करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला टर्म पहले ही आपको हो कंसेप्ट दिया गया है इसी में, है ना, कैसे लीटर और मिलीलीटर एक साथ रहेगा तो कैसे मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे. ओके, देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम जाते हैं. राइट द एप्रोप्रिएट यूनिट टू मेजर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स लीटर मिलीलीटर. देखो स्टूडेंट्स आपको ऐसी टाइप मैंने प्रीवियस क्लास इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था. देखो वाटर इन ए कप मिलीलीटर में, कप के अंदर अगर आप वाटर रखोगे उस वाटर को आप लीटर में मेजर करोगे या मिलीलीटर में मेजर करोगे. लीटर में आएगा तो फ्रैक्शनल लीटर आ जाएगा और डेसिमल लीटर आ जाएगा. डेसिमल पॉइंट में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. अगर आप मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे तो पूर्णीय मतलब नंबर आएगा, पूर्ण संख्या आएगा. ओके, ऐसे इसी प्रकार द वाटर इन ए कप, तो आप मिलीलीटर यूनिट यूज़ करके मेजर कर सकते हो.
वाटर टैंक आपको सभी को देखा हुआ है, आपके घर पे वाटर टैंक है। तो स्टूडेंट उसकी जो पानी, उसके अंदर जो पानी है, तो आप किस कौन सी यूनिट को मेजर्ड करके कौन सी यूनिट मेजर्ड करने के लिए कौन सी यूनिट यूज़ करोगे, ये दोनों में से लीटर और मिलीलीटर? ऑब्वियसली लीटर में यूज़ करोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर है, तो आप ऑब्वियसली लीटर में आप मेजर करोगे उसी वाटर को, है ना? तो यूज़ मस्ट बी यूज इन लीटर, ओके। आफ्टर दैट कप सिरप इन ए स्पून, स्पून के अंदर। अब अगर आपको कप सिरप खानी है, ओके, तो क्या करना चाहिए आपको? इसकी मेजरमेंट जस्ट स्पून में डालते हो खाने के लिए, तो उसका मेजरमेंट ऐसे डॉक्टर बोलते हैं कि 10 मिलीलीटर होना चाहिए, 10 मिलीलीटर, ओके। 10 ml आपको इसमें से मेडिसिन लेना है, तो आप स्पून में डाल के 10 मिलीलीटर ले सकते हो। तो इसी के लिए आपको कौन सी यूनिट यूज़ करना चाहिए? मिलीलीटर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ऐसे आपको देखो नेक्स्ट जो मिल्क इन ए पैकेट ऑफ मिल्क, देखो मिल्क इन ए पैकेट ऑफ मिल्क जब आता है, पैकेट ऑफ मिल्क, तब आपको कौन सी यूनिट यूज़ करना है? ml, ओके। इसमें आप लीटर भी यूज़ कर सकते हो कभी कभी, बड़ी मतलब जैसे पैकेट होगा तो आप लीटर, इवन एज बहुत ज़्यादा बड़ा पैकेट नहीं होता है तो ml में मेजर्ड किया जाता है स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट है ऑयल इन ए टैंकर, टैंकर का ऑयल कौन सी यूनिट में मेजर्ड किया जाता है? लीटर में। जब आप बाइक की टैंकर में ऑयल लोड करने जाते हो, तब आप कौन से बोलते हो कि इतना लीटर मेरे को इतना लीटर भरो में टैंक में, इतना लीटर बोलते हो, तो लीटर यूनिट यूज़ होता है इधर। नेक्स्ट शैम्पू इन ए ओके स्टूडेंट्स, देखो शैम्पू इन ए स्नैच्ड, तो इसमें आप कौन सी यूनिट यूज़ कर सकते हो? मिलीलीटर। एंड देन मेडिसिन इन ए आई ड्रॉप, आई ड्रॉप का जो मेडिसिन आता है जो आई में डालते हो, तो ये भी ml में, मिलीलीटर में, मिलीलीटर यूनिट से ही मेजर्ड होता है। वाटर इन ए बकेट, बकेट में जो बाल्टी में जो वाटर होता है उसको कैसे मेजर करोगे? लीटर यूनिट यूज़ करके। आफ्टर मेडिसिन इन द इंजेक्शन, इंजेक्शन के अंदर जो मेडिसिन है उसको बहुत ही कम मतलब क्वांटिटी होता है, तो ml में ml को यूज़ करोगे। इंक इन इंक पॉट, इंक पॉट में ml यूज़ करोगे ऑब्वियसली। तो स्टूडेंट्स ये कंप्लीट हो गए आपके। इधर और एक चीज़ आपको बताना चाहिए, जैसे मिल्क इन ए मिल्क पैकेट ऑफ मिल्क, ये ml और लीटर भी यूज़ कर सकते हो स्टूडेंट्स, ओके ओके स्टूडेंट्स, ये आपको खुद को करना है कॉपी में या फिर आपकी वर्कबुक में, ओके। आज तक वीडियो इधर तक, नेक्स्ट डे वी विल मीट अगेन, ओके, थैंक यू।